अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो अभी है जी ये ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम और लाइट गई हुई है। इस टाइम लाजमी लाइट चली जाती है और इस टाइम ही मेरे सारे कामों का टाइम होता है। आज क्या बन रहा है? एक आलू लेके ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ एक आलू लेके ट्राई करते हैं कैसा होना है। नहीं, सुबह से तो ब्रेकफास्ट के बाद से ऑनवर्ड मैं किचन की अपनी ड्रॉर्स सेट कर रही हूँ स्पाइसेस वाली। मिनी बलोनी अंडा देख लिए, बलोनी ने अंडा देख लिया मेरे हाथ में। बलोनी ये क्या देख लिया? ये आपके लिए बना रही हूँ, आपके लिए तो नहीं बना रही मैं। बलोनी उसने मेरे हाथ में देख लिया। बलोनी यार तुमने मेरे साथ अंडा क्यों नहीं खाया? चलो दोबारा बना देना। नहीं अब नहीं, अब कल ही मिलेगा बलोनी को। हमें भी दे दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई। जाती है तो आने का नाम भी नहीं लेती है। और अब मैं जल्दी जल्दी से ना कटलेट्स को एग की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके रख दूंगी। और फिर मैंने उसके बाद जाना है, बाहर जाना है किसी काम से, और फिर वापस आऊंगी तो उसके बाद पुलाव बना के उसके साथ फ्राई करके खाएंगे। अब जीवा अपने बच्चों को फीड करवाने लग गई है और जीवा के बच्चे भी थक कार की फील करने लग गए हैं। मिनी मायूस होकर लेट गया, मुझे तो उन्होंने देना नहीं, हम दे भी तो नहीं सकते इसको। आज जी बिल्लू का स्कूबी के साथ 36 काकड़ा हो गया। ये देखें आज बिल्लू साहब रोप डाल रहे हैं किस पे? स्कूबी पे। उसको भी देखें कितना मासूम है। वैसे मासूम नहीं, जल्लाद है अगर से को तंग करे तो। बिल्लू स्कूबी के पास ना आना, स्कूबी ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली है। बिल्लू जी तो स्कूबी खबरदार, अगर बिल्लू को मारा तो हाथ ना लगाना। छाछा बिल्लू तुम्हारे पापा भी आ गए हैं। ये जीवा तो मेरे पीछे पीछे आ रही। मफू 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 बिल्लू को अपने हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी जी तुम्हें क्या चाहिए? तुम सुबह से क्या मांग रही हो? खाना भी खा लिया, चिकन भी खा लिया, बिस्किट भी खा लिया, यकनी भी पी लिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? हैं अब अपना भी गोश्त काट के तुम्हें खिलाऊं? बोलो तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता? ओ वहां फाइट शुरू हो गई। ये साहब अब आप क्यों प्यार ले रहे हैं? आपको भी अब कुछ नहीं मिलना। हाँ जीजी मैं तुम्हारे साथ था। अब तुमने मुझे बताओ क्या खाना है? इतना सब कुछ खाने के बाद तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता? तुम्हारा पेट है या कुआं है? मफू ये स्कूबी ना बिल्लू बस इस इंतज़ार में है कि बिल्लू जो है कुछ ऐसी वैसी हरकत करे और ये स्कूबी उसकी उसको जो है बताए कि फिर मेरे में कितनी पावर है। और बिल्लू समझदार है, कोई हरकत कर नहीं रहा। अभी तक स्कूबी की जगह मफिन होता ना तो मफिन ने पकड़ लिया होता बिल्लू को। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा नहीं सकता, मफिन मुझे लविंग बाइट्स कर रहे हैं, मेरे हाथ पे काटे जा रहे हैं। ज़ैल पहले मफिन को अंदर कर दो, मफिन ने बिल्लू से लड़ाई करनी। तो लग रहा है इतना मासूम है, देखो वो लड़ने वाला लग रहा है तुम्हें मफिन? उसको भी लड़ने का ये नीचे कौन लड़ रहा है?
ये वो स्कूबी स्कूबी को अंदर कर दो, फिर मफिन को भी रहने दो, स्कूबी को नहीं, कर नहीं, दो मफिन, स्कूबी तो उसको ना इंतजार कर रहा है कि वो हमला करे तो मैं उस पे हमला करूं, मफिन ने तो उसको पकड़ लेना है मफू, लेकिन मफिन का अभी कोई मूड नहीं है लड़ने का, वो अचानक ही बनता है मफू। आपको चलना नहीं आता मफू? चलना क्यों नहीं आता मफिन? आपको चलना नहीं आता मेरे शहजादे को? ये मफिन को देखो गुस्सा आ गया मेरे बेटे, भालू को गुस्सा आ गया मेरे बेटे को, गुस्सा आ जाता है इतना गुस्सा। मफिन की फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, और मफिन उनके साथ बहुत खुश है। चलो मैं मफिन को छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है रहने दो। चलो ठीक है मफिन, नहीं जा नहीं नहीं छोड़ के आता, तुम एंजॉय करो। कल किसी ने पूछा था कि आपने ये जो जहाँ पे एलईडी लगी हुई है यहाँ पे क्या है, तो ये वॉलपेपर है, ये स्टिकर नहीं है, ये वॉलपेपर है। और ये मुझे किसी ने कहा था कि आप ये वाला प्लांट जो है वो आप इस कॉर्नर में रखें, तो ये मैंने ना इस कॉर्नर में यही रखा हुआ था पहले, ये ज़रा उठाया हुआ था एक दो दिन के लिए, अब मैंने ये दोबारा रख दिया, एक इसके साथ का ये पड़ा हुआ है इन कॉर्नर्स में, इसको मैं यहाँ क्यों रखती हूँ, इसको मैंने उस जगह पे क्यों नहीं रखा। तो आप ये देखें मेरा जो एलईडी यूनिट है ना वो डोर से लेके इधर तक है इधर, और ये वाला जो दरवाज़ा है हम एक खोलते एक साइड का नहीं खोलते, तो यहाँ पर ना काफ़ी गैप था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो ना मुझे कुछ कमी कमी लग रही थी मेरे ये पूरा जो एलईडी यूनिट का एरिया है ना इसको मैं आपको भी खड़े होकर दिखाती हूँ। जब मैंने ये बनवाया था ना एलईडी यूनिट, तो मुझे ना इसमें जब तक मैंने वो प्लांट नहीं रखा था ना कुछ कमी सी लग रही थी, फिर मैं वो लाई ही स्पेशली इस जगह के लिए थी ताकि ये वाला जो गैप है ये कवर हो जाए, और फिर ये मेरा एरिया जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने ऑनलाइन आइकल कुर्सी मंगवाई थी फिर उसी टाइम पे जब ये बनवाया था, और यहाँ पर इस तरह से ये किया है, इस कॉर्नर में भी मेरे ये प्लांट पड़ा हुआ है, ये जो मैं लाई थी ये वाला जो वॉस है ये, और एक मेरा इस तरह का वो सामने किचन में पड़ा है, ये मैं दोनों मानसहरा से लेकर आई थी, और इस कॉर्नर में मैंने ये रखा हुआ था। खैर ये भी मैंने अभी आरजी ही रखा हुआ है, टेम्परेरी रखा है, इधर के लिए ना मेरा कुछ और प्लांट्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो लेकर आऊँगी, जो मैंने और कुछ लेकर आना है तो फिर आपको दिखाऊंगी, ये बस अभी ना टेम्परेरी यहाँ पे रखा हुआ है। और रही बात टेबल की, टेबल खाली क्यों रहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कई दफ़ा मैंने सेंटर पीस रखा है, रनर्स रखे हैं, पर ये जो मेरे बच्चे हैं ना ये खेलते हैं भागते हैं और गिरा के तोड़ देते हैं, तो ये ना सब कुछ गिरा कर तोड़ देते हैं, इसीलिए फिर मैं यहाँ पे ज़रा कुछ नहीं रखती, मैं इस टेबल को खाली ही रखती हूँ। ऐसे इन्होंने ना, मैं एक हॉर्स भी लेकर आई थी तो वो भी इन्होंने खेलते खेलते तोड़ दिया, ये देखें ये इन्होंने मेरा ना हॉर्स भी तोड़ दिया, उसकी टेल तोड़ दी है, इसको मैंने एल्फी के साथ ना इसको ठीक करूंगी। ये हमारी तरह कितनी चीजें तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। ये मैंने रखा हुआ था इधर, फुजैल रख दो, कर दो ना मुझे इसको लगा दो, नहीं इसकी टेल लगा दो, ये इसकी टेल टूटी हुई है, पता तो नहीं चल रहा, लगा देता हूँ वैसे मैं। ये लो। किधर है वो एलपी जोड़े? वो है आपकी ड्रॉर में है साइड टेबल की। ये ऐसे लगेगा। ऐसे। इसको जोड़ लेते हैं आप। साशा, साशा, मिनी। मिनी आप कितनी प्यारी है, कॉफी तो बहुत ही प्यारी है, कॉफी तो बहुत ही प्यारी है, कॉफी। अच्छा ये इसकी वो किधर है? मुझे क्या पता, आपको पता? ये लगी हुई है पेन इसकी। ये मैंने कब लगाई इधर? अकलमंदी वाला काम की है। अब ये खोलेगा कौन? आज माली आया था, माली कह रहा था क्या किया बोतों का,
ले आते हैं वो मेरे हाथ चिपक के, ले आते हैं तो फिर बहुत वाले दिन आएगा। जरा पकड़ो बेडशीट पर ना गिरा देना, अगर गिरा दी तो बेडशीट खराब हो जाएगी वहां से, अगर खराब हो गई तो नहीं लेके देनी पड़ेगी। जुड़ेगा जुड़ के जुड़ के ये नहीं जुड़ेगा, ये बर्बाद हो गया। क्या गया फुजैल? ओ ये क्या ये फट जाएगी, अब ये फट जाएगी, यहाँ से उतारोगे अल्फी। और ठीक करते करते मेरी बेडशीट ख़राब हो गई, उसका कम्फर्टर जो है उसके ऊपर एल्फी गिर गई थी, और एल्फी कपड़ों पे गिर जाए तो वो कपड़ा वहीं से डैमेज हो जाता है, तो मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया था। बट खैर है, अब मैं यहाँ पे ना कटलेट जो है दो फुजैल के लिए और एक अपने लिए फ्राई कर रही हूँ, भूख लगने लग गई थी, तो अभी हो गया जोहर का टाइम हो गया है, तो बस ये खाते हैं और काम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने बाज़ार जाना है, कुछ लेने जाना है, मैंने कुछ शॉपिंग करने, तो ये खाते हैं और फिर जाते हैं। सारे बच्चे फुजैल की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें भी कटलेट दे दो। अच्छा आपको भी तो खाना दिया, चिकन दिया नहीं ना आपको, अब आप भी जाइए देखो, आप कुछ है ही नहीं, खा लिया प्लेट मेरी, मैंने भी खा लिया अपना। और ये जी हॉर्स की टेल जुड़ गई है, लेकिन इस टेल को जोड़ते जोड़ते मेरी बेडशीट खराब कर दी है फुजैल ने। दोनों ने, आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था गिरेगी। और जैनी ऊपर छत पे थी धूप में अपने बेबीज के साथ, बच्चों को धूप लगवानी भी ज़रूरी होती है, और इनके नीचे ना मैंने जो अपना एक रग जो है कारपेट वो डबल करके रखा हुआ है सॉफ्ट सा, ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। अच्छा अभी मैं बनाने लगी हूँ रात के लिए खाना, और आज मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, आलू के कटलेट्स मैंने पहले ही बना लिए हुए हैं। तो आप सबको जैनी के बेबीज़ बहुत प्यारे लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे किसी ने कहा कि आप इनके पर माशाल्लाह ना पढ़ें, ये आपको किसने कहा है, कौन सी किताब में लिखा है? वो इतने मासूम बच्चे हैं, वो इस दुनिया में अभी आए हुए, उनको एक दिन हुआ है, तो मुझे वो इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं तो पढ़ूंगी ना कि उनको नज़र ना लगे, इंसान की अपनी भी नज़र लग जाती है, और माशाल्लाह से वो इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं, और बहुत सारे खैर मुझे कमेंट्स आए कि आप इनको हाथ ना लगाएं, ये ना करें वो ना करें, मैं अब कुछ नहीं इस बारे में कह सकती, लेकिन जो मेरा दिल है मैं तो फिर उनको वैसे ही ट्रीट करूँगी ना। और आपको वो भी बहुत प्यार लगे, और एक क्वेश्चन सबने बहुत ज़्यादा मुझे किया कि आप क्या करेंगी, आपके पास इतने सारे बच्चे हो गए हैं, 7 बच्चे हैं माशाल्लाह से, अब आप इनका क्या करेंगी? तो मैं इन सबको तो रख नहीं सकती ना, क्योंकि ये डॉग्स हैं, ये अभी तो इतने छोटे हैं, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मैं इन सबको नहीं रख सकती। ये सब कैट्स की तरह तो है नहीं, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं इनको नहीं रख सकती इतने बच्चों को। ये जब 1.5-2 महीने के होंगे, जब ये दूसरी डाइट पर आ जाएंगे, मदर फीड से हटेंगे, तो फिर मैं ये किसी ना किसी को दे दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको भी चाहिए होगा, जो भी मांगेगा उनको मैं फिर दे दूंगी ये बच्चे, क्योंकि ये सब बच्चे मैं नहीं रख सकती। और एक और बात आप मुझे कह रहे थे कि आप ही आप जैनी को स्प्रे करवा दें, तो जी बच्चे हो गए हैं, 1 महीने के बाद हम लोग जैनी को स्प्रे भी करवा देंगे। और मैंने बच्चों के नीचे बोरी चेंज कर दी थी, उनके नीचे मैंने मोटा डबल करके कारपेट बिछा दिया था ताकि उनको सर्दी ना लगे, तो बच्चे हेल्दी हैं शुक्र है अल्लाह का, लेकिन बस जैसे ही बड़े होंगे फिर जो उनका होगा, जहाँ उन्होंने जाना होगा, उनका नसीब हो, वहाँ वहाँ चले जाएंगे, यहाँ तो मैं उनको नहीं रख सकती, क्योंकि इस सोसाइटी में तो सब दुश्मन हैं और सब मारना चाहते हैं डॉग्स को। आओ तो मैं एक बार चीज़ दिखाऊं। चले मैं अभी आप मैं बाहर जाती हूँ, बच्चों के बाबा आए हुए हैं, जो वो वाला कुत्ता आया हुआ है जो इन बच्चों का बाप है, तो वो आपको दिखाती हूँ, और फिर आगे खाना बनाते हैं। ये देखें ये सारे बच्चे ऐसे और बिल्कुल अपने बाप पे गए हैं, बिल्कुल अपने बाप जैसे हैं, ये देखें इसके बच्चे हैं, वो जो जैनी के हुए हैं ना, ये उनका बाप है, इधर देखो, ए
ऐसे ही उनके भी नीचे से वाइट हैं और पाँव भी वाइट हैं, वैसे ही हो जाएंगे बड़े होकर। लेकर आओ इसको, इसके बच्चे दिखाएं। रात का टाइम है इसलिए इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। मेरा बेटा ये देख, मेरा बेबी। वो देख कैसे रहा है? तुम्हारा बेबी? नहीं जी, उसका बेबी नहीं चाहिए। तेरा बच्चा इधर आ, ये देख। उसको अपना बेबी नहीं चाहिए। चलो जी, कैसे देख रहे हैं? बेबी ले लो। और अभी मैं बस जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और मैंने व्लॉग भी डालना है। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि व्लॉग लेट आता है बहुत, तो मुझे काम ही इतने होते हैं कि मैं मेरे फ्री होते होते ही मुझे इतना टाइम हो जाता है। अभी मैं जैनी को खाना दे रही हूँ, ये भर के। जैनी बड़े शौक से खा रही है। अब देखते हैं, सनी भी आया हुआ है, वो देखें। वो सनी को भी मैंने बाहर से आया, ठंड है बहुत ज़्यादा ना आज, तब सनी को मैंने दिया है गरम गरम यखनी। सनी तुमसे कुछ मांग रहा है? सनी चिकन मांग रहा होगा। सनी को मैंने यखनी दे दी है बाउल भर के, अब सनी को बिस्किट भी दे देते हैं। और नीचे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी बाहर निकाल लूँ। ये सनी को पहले इसमें यखनी भर के दी है, अब बिस्किट दिए हैं। बड़े शौक से खाता है बिस्किट। ये हमने घर दही जमाई थी, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, और इतनी मीठी है, इतनी लजीज दही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी इसका रायता बनने लगा। अब वो न्यूटर हो गया है, इसमें और ताकत आ गई। क्या कह रहा है बताओ? ये हैं कह रहा मुझे चिकन दे दो, है ना? चलो। वाह, आधे घंटे में चावल भी रेडी और किचन भी इतना नीट एंड क्लीन। शेफ हो तो तुम्हारे जैसा हो। बर्तन भी धो दिए, राइस भी दम पर चले गए। और अब कबाब फ्राई कर देने। ये तो लग ही नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए, होना चाहिए हर औरत को। जब भी कुकिंग करे तो पता भी ना चले कि आपने कुकिंग किया, इतना क्लीन किचन हो। जब दम पे रख दिए जी, अब ये दम पे है चावल। और वो अंदर दरवाजा तोड़े, ये देखें, ये ऐसा लग रहा है ना कोई इंसान है कि नीचे से इसने हाथ फंसाया और दरवाजा खराब कर रहे हैं। राइस खाने के बाद मैं करूंगी व्लॉग एडिट और फिर करूंगी अपलोड, और फिर मुझे पिलाएंगे चाय। देखिए व्लॉग आता कब है, जब भी आए तो आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं तो कोई तो फायदा हो। दो तो बना लो। ये जी मेरी प्लेट बन गई है। ये पता नहीं, ये अंदर बहुत ज़्यादा मैं तंग करते, मैंने दोनों को बाहर निकाला है बस, और ब्राउनी को। और ये इतने थोड़े चावल। बस जी, आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आप मिलूंगी आपके साथ कल की वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।